एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम मेथड 6 डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म, जिसे हम बर्नौलीज इक्वेशंस भी कहते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि लिखा हुआ है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग द फॉर्म डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई टू द पावर एन इज कॉल्ड एन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म, या हम इसे बर्नौलीज इक्वेशन भी कहते हैं। एंड ये जो यहाँ पे p एंड q है, ये दोनों x के फंक्शंस होते हैं। जैसे कि x के फंक्शन जहाँ पे p एंड q लिखा होता है, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखा होगा साइन x या x क्यूब या x स्क्वायर, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे जो p एंड q है वो हमारे x के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये वाली फॉर्म है, इसको हमें जो हमारी लीनियर वाली फॉर्म थी अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू इक्वेशन होगी, उसको हमें वो हमें कुछ इस टाइप से होगी। एंड हमें उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म थी। एंड देन हम इसको जैसे हमने अपने पिछले मेथड में क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, उसी तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से ये जो हमारा रिड्यूसेबल टू द लीनियर फॉर्म वाला मेथड है, इसको समझते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स। यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन थी उसमें जो इसकी फॉर्म कुछ इस टाइप से है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई टू दी पावर एन। तो जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसको हमें इस फॉर्म में बनाना है, एंड देन हमें उसको इस फॉर्म से, इस फॉर्म जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड था, उससे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ये जो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ में एक्स लिखा हुआ है, इसको हम इधर भेज देंगे। तो जो हमारी ये पूरी गिवन इक्वेशन है, इसको हम x से डिवाइड कर देंगे। इसका सॉल्यूशन है dy अपॉन dx प्लस जो ये वाला x है, इससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 अपॉन x, एंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लॉग x अपॉन x। ओके, तो ये हमारी फॉर्म जो बन चुकी है। एंड यहाँ पे जो हमारा p एंड q होते थे वो भी यहाँ पर है, p एंड q फंक्शंस ऑफ x ओनली। ओके, तो यहाँ पे जो p एंड q भी हमारे हो गए, एंड यहाँ पे हमारा y टू द पावर n था वो भी हो गई। अब ये इसकी फॉर्म जो है वो फॉर्म थी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू इन पावर n। ओके, तो ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अब कुछ इस फॉर्म में बन चुकी है, जिसे इस फॉर्म को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारी फॉर्म ये है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ओके, एंड ये जो यहाँ पे पी एंड क्यू है, ये जो हमारे यहाँ पे पी एंड क्यू है, ये दोनों हमारे क्या है, फंक्शन ऑफ x है, ओनली x के केवल फंक्शन होते हैं, x के केवल फंक्शन है, ठीक है। तो अब हमें इसको, इस वाली फॉर्म को हमें इस फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पे हमारा एक टर्म एक्स्ट्रा दिख रहा है, वाई स्क्वायर। अब हम ये जो हमारा वाई स्क्वायर वाला टर्म है, इस टर्म से इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस प्लस वन अपॉन एक्स, एंड जब इसे वाई से डिवाइड करेंगे तो वाई इज इक्वल्स टू, यहां बच जाएगा हमारा लॉग एक्स अपॉन एक्स। ओके, एक स्टेप और आगे बढ़ा लेंगे तो ये जाएगा वाई टू द पावर माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, वाई टू दी पावर हो जाएगी यहाँ पे माइनस वन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाता है हमारा लॉग एक्स अपॉन एक्स। इसको हमें लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए ये जो हमारा वाई टू दी पावर माइनस वन है, इसको हम वी पुट कर देंगे। पावर माइनस वन को जब हम वी पुट करेंगे, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का वन बाहर आगे आ जाएगा, एंड वाई टू दी पावर माइनस टू, एंड इसका हो जाएगा इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये जो y टू दी पावर माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें माइनस नहीं चाहिए तो इस माइनस को हम इधर भेज देंगे, तो यहां से हमारा हो जाएगा y टू दी पावर माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये जो अब यहाँ पे हमारा वाई टू दी पावर माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां पर हम माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स पुट कर देंगे, डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एंड वाई टू दी पावर माइनस वन को हमने यहाँ पुट किया हुआ है, तो यहाँ पे वी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा सिंपल था लॉग एक्स अपॉन एक्स।
ठीक है। अब ये जो माइनस है इसको हम इधर भेज देंगे, तो यहां पे हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा डीवी अपॉन डीएक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एंड ये हो जाएगा वी इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब इसकी फॉर्म देखिए, ये कुछ कुछ हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हम इसकी कंपेयर इससे करा लें, पी वी इज इक्वल्स टू क्यू, तो ये हमारी कुछ इस तरीके से बन चुकी है। एंड यहाँ पे हमारी कंडीशन थी कि पी एंड क्यू जो होते हैं हमारे वो फंक्शन होने चाहिए एक्स के, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी हमारा एक्स का फंक्शन है एंड ये भी हमारा एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो अब हम इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम यहाँ से पी एंड क्यू को नोट कर लेते हैं, तो यहाँ पर p इज इक्वल्स टू है हमारा माइनस का वन अपॉन एक्स, एंड जो यहाँ पे हमारी q की वैल्यू है वो यहाँ पे है हमारी माइनस लॉग x अपॉन x, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि if होता है वो हम फाइंड करते हैं, तो ये होता है e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस, यहाँ पे p की वैल्यू है वन अपॉन माइनस x, तो यहां से हमारा हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एक्स, एंड यहां से एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं, तो यहां जाएगा e टू दी पावर लॉग एक्स टू दी पावर माइनस वन, एंड यहां पे भी e होता है बेस एंड यहां पे भी है, तो यहां से हमारा हो जाएगी टू दी पावर माइनस वन। यहां से हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारा वन अपॉन एक्स। अब हमें इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन में क्या होता है, यहां पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं, तो यहां पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल वी है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा वन अपॉन एक्स है इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू हमारा माइनस बाहर लिख लिया, क्यू है हमारा लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी। इसे इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करना होगा, तो यह जाएगा वी अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग इंटू एक्स टू दी पावर माइनस टू डी एक्स प्लस सी। अब देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे बाई पार्ट वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा, तो हमने एक फॉर्मूला सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था इंटरमीडिएट में आई एल ए टी ई, तो यहाँ पे हर वर्ड का एक मीनिंग है, तो जो आई है वो हमारे इनवर्स को डिनोट करता है एंड एल लॉग नोट करता है एंड ए एलजेब्रा के टर्म्स को, टी जो है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री को डिनोट करता है एंड ई जो है वो हमारा एक्सपोनेंशियल मींस टू से ई टू दी पावर के जो फंक्शंस होते हैं उनको हमें डिनोट करता है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट फंक्शन जो है वो हमारा लॉगरिथम वाला हो जाएगा जैसे कि ये लिखा भी हुआ है, एंड जो हमारा ये वाला टर्म है ये हमारा सेकेंड टर्म हो जाएगा, वो सॉरी सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो हम इसका बाई पार्ट से इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वी अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल करली ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन करली ब्रैकेट क्लोज होल इंटीग्रेशन प्लस सी। यहाँ पे माइनस था स्टार्टिंग में तो ये माइनस हो गया, एंड जब हम इंटीग्रेशन खोलते हैं तो यहाँ माइनस होता है एंड देन वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा v अपॉन x इज इक्वल्स टू माइनस log x, एंड इसका इंटीग्रेशन हो जाता है x टू दी पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन एन प्लस वन वाले फॉर्मूले से हो जाएगा प्लस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन रहता है वन अपॉन x इंटू इसका इंटीग्रेशन हो जाता है x टू दी पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन डी एक्स प्लस सी, ठीक है। वी अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ये माइनस से वाला टर्म प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन एक्स, एंड यहाँ पे वाला माइनस बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन, एंड ये एक्स अपॉन में जाएगा तो ये एक्स जोड़ करके हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको मुंह पर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का टू डी एक्स प्लस सी, एंड फिर ये हमारा बचेगा वी अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाता है log x अपॉन एक्स माइनस, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बचेगा x की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस, एंड अब हमारा सिंपली बचेगा v अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू log x अपॉन एक्स, एंड ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस प्लस का वन अपॉन एक्स प्लस सी। यहाँ पे हमने v की वैल्यू y टू दी पावर माइनस वन, v की वैल्यू वापस से पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन, तो यहाँ पे हो जाएगा
वन अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऊपर लॉग एक्स प्लस वन, एंड यहाँ से जो हमारा एक्स है दोनों साइड में इसको हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो एक्स प्लस सी। तो इस टाइप से ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई टेन एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो इसे भी अब हमें रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म मेथड से सॉल्व कर, फॉर्म में इसे हमें ऐसा बना करके लाना है जो इसकी फॉर्म इस टाइप से हो जाए, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। मतलब जो p एंड q है वो दोनों x के फंक्शंस होने चाहिए, एंड यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे तो x का फंक्शन है जैसे tan x है, एंड यहाँ पे भी हमारा x का फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ से हमें इसको हटाने के लिए, तो यहाँ पे मैं x का फंक्शन बनाने के लिए हम यहाँ पे y स्क्वायर से इस पूरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम डिवाइड कर देंगे अपॉन y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू टेन एक्स अपॉन में हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, स्क्वायर इसको हम वाई टू दी पावर माइनस टू इस टाइप से लिख लेंगे। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू टेन एक्स इंटू वाई टू दी पावर माइनस वन इज इक्वल्स टू वन। यहाँ पे वाई टू दी पावर माइनस वन वाला जो स्टेप है इसको हम वी पुट कर देंगे, एंड अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जाएगा माइनस वन आ गया जाएगा, एंड वाई टू दी पावर माइनस टू डी वे अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये जो वाई टू दी पावर माइनस टू डी वे अपॉन डी एक्स, यहां पर हम माइनस डी वी अपॉन डी एक्स पुट कर देंगे तो यहां पे हो जाएगा हमारा माइनस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस टू टेन एक्स। वाई टू दी पावर माइनस वन को हम वी लिख देंगे एंड ये हो जाता है वन, एंड माइनस वन है तो यहां पे पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे या माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा माइनस का टू टेन एक्स वी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जाएगा हमारा माइनस वन। वो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, तो ये इस टाइप की फॉर्म बन चुकी है पी वी इज इक्वल्स टू क्यू। तो अब यहां से पी एंड क्यू को नोट कर लेते हैं, तो यहां से पी इज इक्वल्स टू हमारा है माइनस टू टेन एक्स एंड q इज इक्वल्स टू है यहाँ पे माइनस वन। तो स्टेप फर्स्ट होता है हमारा, यहां से हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है जो होता है e टू दी पावर p dx इंटीग्रेशन ऑफ, तो e टू दी पावर माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। तो यहां पे हमारा हो जाएगा e टू दी पावर माइनस टू टेन एक्स का इंटीग्रेशन यहां पे होता है log, यहां पे माइनस भी है तो इसे हम प्लस करके यहां पे मना लेंगे log cos x, और आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर log cos square x, एंड यहां पे बेस होता है तो यहां से हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारा cos square x। हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारा v है, यहां से डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है cos square x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q हमारा यहाँ पे माइनस वन है, माइनस आगे लगा लेते हैं, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि cos स्क्वायर x है dx प्लस c। तो यहां से हो जाएगा v इंटू cos स्क्वायर x माइनस, तो यहां से इसका cos स्क्वायर x का फॉर्मूला, इसका इंटीग्रेशन होता नहीं है तो टू cos स्क्वायर x माइनस वन, तो यहां से हम cos 2x प्लस वन, ये जो माइनस वन है ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 2 cos स्क्वायर x, एंड यहाँ से cos स्क्वायर x हमें चाहिए तो यहाँ पे 2 को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x की जगह पे हम 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन टू ब्रैकेट क्लोज डी एक्स प्लस सी, एंड यहां से हमारा हो जाएगा वी इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, जब वन अपॉन टू जो है उसको भी बाहर ले आएंगे, एंड यहां पे हो जाएगा सिंपली वन प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स प्लस सी। ये बचेगा हमारा वी इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू, वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स,
यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। यहाँ पे जो वी की वैल्यू थी, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे ये जो v इज इक्वल्स टू y टू द पावर माइनस 1 हमने यहाँ पे पुट किया था, वापस से हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस सी। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया फाइनल आंसर।